तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर और बीन्स की सब्जी। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 हरी मिर्च लिया है, थोड़े से गार्लिक मैंने लिया है, थोड़ा सा जिंजर और 1 मैंने अनियन लिया है। गार्लिक, हरी मिर्च और अदरक को फाइनली चॉप कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने गार्लिक जिंजर को फाइनली चॉप कर लिया है। अब मैं चिली को फाइनली चॉप कर लूँगा। साथ ही 1 टमाटर मैंने यहाँ पे लिया है, इसको भी मैं फाइनली चॉप कर लूँगा सब्जी बनाने से पहले। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इसको पहले मैं काट लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बीन्स को धो के रखा हुआ है, इसको भी मैं फाइनली चॉप कर लूँगा। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने डाला है। सरसों का तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, उसके बाद जो हमने फाइनली चॉप करा हुआ मिर्च था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर हमारा जिंजर, फिर गार्लिक, इसको हल्का सा सौते करेंगे। सौते जब हो जाए तो इसमें हम कटा हुआ प्याज को ऐड कर देंगे और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड करूंगा और थोड़ा सा नमक ऐड करूंगा, फिर इसको दोबारा अच्छे से भून लेंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप हल्दी डालेंगे या कोई मसाला डालेंगे तो उस टाइम पे गैस का फ्लेम को थोड़ा सा कम रखिएगा, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। इसमें साथ ही जो हमने टमाटर काट के रखे हुए थे उसको ऐड कर देंगे,
और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। इसमें मैं अब आलू को ऐड करूंगा। आलू के साथ साथ जो बीन्स हमने काट के रखे थे उसको भी मैं ऐड कर दूंगा, साथ ही मटर को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। सारे सब्जियों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला के हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। बीच बीच में आप इसको चेक करिएगा नीचे ना लगे। जब तक हमारी सब्जी पक रही है, गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा धनिया को फाइनली चॉप करके रेडी रख लेता हूँ, ताकि सब्जी जब पक जाएगा तो इसको हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारी जो सब्जी है वो बनकर तैयार है। इसमें जो हमने धनिया काट के रखा हुआ था मैं इसको ऐड कर दूंगा। एक बार हल्का सा चला के मैं इसको गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी गर्मा गर्म सब्जी बनकर तैयार है। इसको आप पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।